हाय फ्रेंड्स, आई एम सनी कथोरिया, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को मालूम है आजकल इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा जो सर्चेज हो रही हैं वो वेट लॉस के ऊपर होती हैं। और हम लोग क्या नहीं करते वेट लॉस करने के लिए। वेट लॉस के लिए हम लोग डाइट छोड़ देते हैं, हम लोग मिठा खाना छोड़ देते हैं, हम लोग कार्ब्स छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है 2 से 3 किलो हमारा वजन कम हो जाता है। लेकिन क्या होगा अगर आपका गोल ही 7 से 8 किलो वजन कम करना है? तो आज इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि क्या हम ऐसी गलती करते हैं कि हमारा वेट जो है वो सब कुछ छोड़ने के बावजूद भी कम नहीं हो रहा। तो ये गलती क्या है मालूम है आपको? ये गलती है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट नहीं करने की। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और मेटाबॉलिज्म कैसे बूस्ट होगा? अगर हम लोग मसल्स के ऊपर काम करेंगे। देखिए, एक बात आप सीधी सीधी समझिए कि जो मसल है आपके और जो आपका फैट है, ये दोनों आपस में बहुत बड़े दुश्मन हैं। तो आपने सुना होगा एक म्यान में दो तलवारें रह सकती हैं? नहीं रह सकती ना। तो इसी तरह फैट और आपका मसल एक जगह पे इकट्ठे नहीं रह सकते। सो सबसे बेस्ट मेथड है, अगर आप अपने फैट को भगाना चाहते हैं तो उस जगह पे अपने मसल को लेके आ जाइए। और इससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा जिससे आपका फैट बिल्कुल भाग जाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं ना मसल्स की, तो आपके दिमाग में क्या चलता है? जिम, बड़े बड़े मसल्स। नहीं, ऐसा नहीं करना। मेरा मतलब है यहाँ पे लीन मसल्स। आपके अंदर लीन मसल्स होने चाहिए। और एक गलती हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग जिम जाते हैं और 6 के 6 दिन कार्डियो करते रहते हैं, कार्डियो के ऐसे तैसे कर देते हैं, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता, 1 इंच भी कई बार कम नहीं होता। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि आप में मसल ही नहीं है। जब तक मसल अंदर नहीं आएगा आपका फैट नहीं भागेगा। और यही बात जब आपका जिम इंस्ट्रक्टर या आपके जिम का ओनर आपको बताता है तो आपको लगता है कि शायद ये पैसे बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेडमिल्स जो घर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगती है, तो शायद ये इसलिए मना कर रहे हैं। लेकिन वो सही बात बताते हैं आपको। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है आपको जिम जाना ही जाना है। अगर आप जिम नहीं भी जा सकते कोई बात नहीं, आप घर पे फ्री हैंड एक्सरसाइजेस करके अपना वेट कम कर सकते हैं, अपने मसल को बिल्ड करके, लीन मसल को बिल्ड करके। जैसे आप लोग घर पे कोशिश कर सकते हैं, पुशअप्स लगा सकते हैं, पुलअप्स लगा सकते हैं, सिटअप्स लगा सकते हैं। ये बहुत ईजी एक्सरसाइजेज हैं और इससे आपका मसल बिल्ड होगा। जब मसल बिल्ड होगा और लीन मसल बिल्ड होगा, क्योंकि क्या होगा, आप अपने बॉडी वेट के मुताबिक अपना वेट उठा रहे हैं। मसल तब बढ़ता है जब आप हैवी वेट उठाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर फ्री हैंड एक्सरसाइज करेंगे तो आपको लीन मसल मिलेगा। और लीन मसल का मतलब है पावर, और पावर प्लस मेटाबॉलिज्म। तो ये दोनों चीज़ें जब आ जाएंगी आपके फैट के लिए, आपके शरीर में कोई जगह नहीं रह जाएगी। और अगर आप जिम में जाते हो और कार्डियो करते हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कार्डियो करना गलत बात है, 10 से 15 मिनट कीजिए कार्डियो, अच्छी बात है। हफ्ते में 2 बार कार्डियो कीजिए और 4 बार आप मसल स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज लगाएंगे, तो आपको 6 दिन कार्डियो करने से ज़्यादा फर्क पड़ेगा। बट पीपल थिंक दैट मोर कार्डियो इज इक्वल टू मोर फैट लॉस। दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक एवर। और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो 2 हफ्ते करके देख लेना, आपके इंचेस ज़्यादा लॉस होंगे एज कम्पेयर टू कार्डियो। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं वेट लॉस के लिए? आप योगा कर सकते हैं, इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। आप योगा में कपालभाति कीजिए, लॉन्ग बिलोंग कीजिए, 15-15 मिनट बेशक कीजिए, लेकिन आपको डेफिनेटली इससे फ़र्क पड़ेगा। तो अगर आप जिम भी नहीं जा सकते तो घर पर ऐसी एक्सरसाइजेज, फ्री हैंड एक्सरसाइजेज करने से आपका ना सिर्फ फैट लॉस होगा बल्कि आपका स्लीप सिस्टम इंप्रूव होगा, आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप अपने अंदर पावर महसूस करेंगे। देखिए, ये जो सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, या आपके अंदर पावर हो, आप में मसल बिल्ड हो, आपके अंदर स्ट्रेस कम हो, आपको नींद अच्छे से आए, तो ये चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जो वो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। और मेटाबॉलिज्म इज़ द बिगेस्ट रेमेडी ऑफ योर फैट लॉस। देखिए, एक और रीज़न है मैं क्यों बता रहा हूँ आपको मसल बिल्ड करने का, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप सारा कुछ छोड़ देते हैं, आप मीठा खाना छोड़ देते हैं, कार्ब्स खाने छोड़ देते हैं, तो वेट रिड्यूस हो जाता है। लेकिन कितनी देर? क्वेश्चन तो यही है ना, कितनी देर आप छोड़ी रखेंगे? जब आप दोबारा से इनटेक करते हैं तो वेट दोबारा से गेन हो जाता है। तो इसे कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? ये ऐसे इम्प्रूव होगा कि जब आप मसल बिल्ड करेंगे, आपका फैट खत्म हो जाएगा आपकी बॉडी में से, तो आप जब भी कोई डाइट लेंगे तो आपके मसल में लगेगी वो, और वो लीन मसल होगा। कोई बड़े बड़े मसल्स की मैं यहाँ पे नहीं बात कर रहा हूँ। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप डिज़र्व करते हैं अच्छी डाइट के लिए। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम लाइफ भी इंजॉय करें, अच्छा फूड भी इंजॉय करें, और साथ में खुश भी रहें। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो वो पॉसिबल हैं अगर आप लीन मसल बिल्डिंग पर ध्यान देंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नया चैनल है, आप सपोर्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।